श्रीमद्भागवतम द्वादश कंद अध्याय तीन भूमि गीत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस जगत के राजाओं को अपने पर विजय प्राप्त करने के प्रयास में जुटे देखकर पृथ्वी हंसने लगी। उसने कहा, जरा देखो तो इन राजाओं को जो मृत्यु के हाथों में खिलौनों जैसे हैं, मुझ पर विजय पाने की इच्छा कर रहे हैं। मनुष्यों के महान शासक, यहाँ तक कि जो विद्वान भी हैं, भौतिक कामेच्छा के कारण हताशा तथा असफलता को प्राप्त होते हैं। ये राजा काम से प्रेरित होकर मांस के मृत पिंड में, जिसे हम शरीर कहते हैं, अत्यधिक आशा तथा श्रद्धा रखते हैं। यद्यपि भौतिक ढांचा जल पर तैरते फेन के बुलबुलों के समान क्षण भंगुर है, राजे तथा राजनेता यह कल्पना करते हैं, सर्वप्रथम मैं अपने इंद्रियों तथा मन को जीतूंगा, फिर मैं अपने प्रमुख मंत्रियों का दमन करूंगा और अपने सलाहकारों, नागरिकों, मित्रों तथा संबंधियों एवं अपने हाथियों के रखवालों रूपी कंटकों से अपने को मुक्त कर लूंगा। इस तरह धीरे धीरे मैं पूरी पृथ्वी को जीत लूंगा। क्योंकि इन नेताओं के हृदयों में बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रहती हैं, अब ये पास ही खड़ी प्रतीक्षा रत मृत्यु को नहीं देख पाते। ये गर्वित राजा गण मेरे तल पर सारी भूमि को जीत लेने के बाद समुद्र को जीतने के लिए बलपूर्वक समुद्र में प्रवेश करते हैं। भला उनके ऐसे आत्म संयम से क्या लाभ, जिसका लक्ष्य राजनीतिक शोषण हो। आत्म संयम का वास्तविक लक्ष्य तो आध्यात्मिक मुक्ति है। हे कुरुश्रेष्ठ, पृथ्वी आगे यूं कहती है, यद्यपि विगत काल में बड़े बड़े पुरुष तथा उनके वंशज इस संसार से मुझे छोड़कर उसी असहाय अवस्था में चल बसे जिस दशा में वे इसमें आए थे, किंतु आज भी मूर्ख लोग मुझे जीतने का प्रयास करे जा रहे हैं। मुझे जीतने के उद्देश्य से भौतिकतावादी लोग परस्पर लड़ते हैं। पिता अपने पुत्र का विरोध करता है और भाई एक दूसरे से झगड़ते हैं, क्योंकि उनके हृदय राजनैतिक शक्ति पाने के लिए बंधे रहते हैं। राजनेता लोग एक दूसरे को ललकारते हैं, यह सारी भूमि मेरी है, अरे मूर्ख यह तुम्हारी नहीं है। इस तरह वे एक दूसरे पर हमला करते हैं और मर जाते हैं। पृथु, पुरर्वा, गादी, नहुष, भरत, कार्तवीर्य, अर्जुन, मानधाता, सगर, राम, खटवांग, दुंदुहा, रघु, तृणबिंदु, ययाति, शरियाति, शंतनु, गय, भगीरथ, कुवल्याश्व, ककुत्स्थ, नैषद, नृग, हिरण्यकशिपु, वृत्त,
सारे जग को रुलाने वाला रावण, नमुचि, शंबर, भौम, हिरण्याक्ष तथा तारक के साथ साथ अन्य असुर तथा अन्यों पर शासन करने की महान शक्ति से युक्त राजे, ये सारे के सारे ज्ञानी, शूर, सबको जीतने वाले तथा अजेय थे। तो भी हे सर्वशक्तिमान प्रभु, ये सारे राजा मुझे पाने के लिए गहन प्रयास करते हुए जीवन बिताते रहे, किंतु काल के अधीन थे, जिसने सबों को मात्र ऐतिहासिक वृत्तांत बना दिया है। इनमें से एक भी स्थायी रूप से अपना शासन स्थापित नहीं कर सका। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे बलशाली परीक्षित, मैंने इन सारे महान राजाओं की कथाएं तुमसे बतला दी, जिन्होंने संसार भर में अपना यश फैलाया और फिर चले गए। मेरा असली उद्देश्य दिव्य ज्ञान तथा वैराग्य की शिक्षा देना था। राजाओं की कथाएं इन वृत्तांतों को शक्ति तथा ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, लेकिन वे स्वयं ज्ञान के चरम पक्ष का निर्माण नहीं करती हैं। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति चाहता है, उसे भगवान उत्तम श्लोक के यश पूर्ण गुणों की कथाएं सुननी चाहिए, जिनके निरंतर कीर्तन से सारे अमंगल विनष्ट हो जाते हैं। भक्तों को नियमित दैनिक संगोष्ठियों में ऐसे श्रवण में अपने को लगाना चाहिए और दिन भर इसी में लगे रहना चाहिए। राजा परीक्षित ने कहा, हे स्वामी, कलयुग में रहने वाले लोग इस युग के संचित कलमश से किस तरह अपने को छुटा सकते हैं? हे महामुनि, यह मुझे बतलाएं। कृपया विश्व इतिहास के विभिन्न युगों, प्रत्येक युग के विशिष्ट गुणों, ब्रह्मांड स्थिति की अवधि तथा संहार एवं परमात्मा स्वरूप विष्णु के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि काल की गति के बारे में बतलाएं। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, प्रारंभ में सत्य युग में धर्म अपने चार अक्षत पैरों से युक्त रहता है और उस युग के लोगों द्वारा सावधानी से धारण किया जाता है। शक्तिशाली धर्म के चार पैर हैं, सत्य, दया, तपस्या तथा दान। सत्य युग के लोग प्रायः आत्मतुष्ट, दयालु, सबों के मित्र, शांत, गंभीर तथा सहिष्णु होते हैं। वे अंतःकरण से आनंद लेने वाले, सभी वस्तुओं को एक साथ देखने वाले तथा आध्यात्मिक सिद्धि के लिए सदैव उद्यमशील होते हैं। त्रेता युग में अधर्म के चार पैरों, झूठ, हिंसा, असंतोष तथा कलह के प्रभाव से धर्म का प्रत्येक पैर क्रमशः एक चौथाई क्षीण हो जाता है। त्रेता युग में लोग कर्म कांड तथा कठिन तपस्या में लगे रहते हैं। वे न तो अत्यधिक उग्र होते हैं, न इंद्रिय आनंद के पीछे अत्यधिक कामुक होते हैं। उनकी रुचि मुख्यतः धर्म, आर्थिक विकास तथा नियमित इंद्रिय तृप्ति में रहती है और वे तीन वेदों की संस्तुतियों का पालन करते हुए संपन्नता प्राप्त करते हैं। हे राजा, यद्यपि इस युग में समाज में चार पृथक पृथक श्रेणियां, वर्ण उत्पन्न हो जाती हैं, किंतु अधिकांश लोग
ब्राह्मण होते हैं। द्वापर युग में तपस्या, सत्य, दया तथा दान के धार्मिक गुण अपने अधार्मिक विलोम अंशों, असंतोष, असत्य, हिंसा तथा शत्रुता के द्वारा घटकर आधे रह जाते हैं। द्वापर युग में लोग यश में रुचि रखते हैं तथा अत्यंत नेक होते हैं। वे वेदा अध्ययन में अपने को लगाए रखते हैं, प्रचुर ऐश्वर्य वाले होते हैं, बड़े बड़े परिवारों वाले होते हैं और जीवन का ओज पूर्वक आनंद उठाते हैं। चारों वर्णों में से क्षत्रिय तथा ब्राह्मण ही सर्वाधिक संख्या में होते हैं। कलयुग में धार्मिक सिद्धांतों का केवल एक चौथाई शेष रह जाता है और यह अवशेष भी अधर्म के सदैव बढ़ने के कारण लगातार घटता जाएगा और अंत में विनष्ट हो जाएगा। कलयुग में लोग लोभी, दुराचारी तथा निर्दयी होते हैं और वे बिना कारण ही एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं। कलयुग के लोग अभागे तथा भौतिक इच्छाओं से त्रस्त होकर प्रायः सभी शूद्र एवं बर्बर होते हैं। सतो, रजो तथा तमो गुण जिनके रूपांतर पुरुष के मन के भीतर देखने में आते हैं, काल की शक्ति से गतिमान होते हैं। जब मन, बुद्धि तथा इंद्रियां पूरी तरह से सतो गुण में स्थित हैं, तो उस काल को सत्य युग समझना चाहिए। तब लोग ज्ञान तथा तपस्या में रुचि लेते हैं। हे परम बुद्धिमान, जब भद्र जीव अपने कर्मों के प्रति समर्पित तो होते हैं किंतु उनमें बाह्य मनोभाव पाए जाते हैं और वे निजी प्रतिष्ठा की चाह करते हैं, तो तुम यह जान लो कि ऐसी स्थिति त्रेता युग की है जिसमें राजसिक कर्मों की प्रधानता होती है। जब लोभ, असंतोष, मिथ्या अहंकार, दिखावा तथा ईर्ष्या प्रधान बन जाते हैं और साथ में स्वार्थ पूर्ण कार्यों के लिए आकर्षण होता है, तो ऐसा काल द्वापर युग है जिसमें रजो तथा तमो गुण के मिश्रण की प्रधानता होती है। जब धोखा, कपट, झूठ, तंद्रा, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय तथा दरिद्रता का बोलबाला होता है, वह युग कलयुग अर्थात तमोगुण का युग होता है। कलयुग के दुर्गुणों के कारण मनुष्य शूद्र दृष्टि वाले, अभागे, पेटू, कामी तथा दरिद्र होंगे। स्त्रियां उल्टा होने से एक पुरुष को छोड़कर बेरोक टोक दूसरे के पास चली जाएंगी। शहरों में चोरों का दबदबा होगा। वेद नास्तिकों के द्वारा की गई मनमानी व्याख्या से दूषित किए जाएंगे। राजनीतिक नेता प्रजा का भक्षण करेंगे और तथा कथित पुरोहित तथा बुद्धिजीवी अपने पेट तथा जननांगों के भक्त होंगे। ब्रह्मचारी अपने व्रतों को संपन्न नहीं कर सकेंगे और सामान्यतया अस्वच्छ रहेंगे। गृहस्थ लोग भिखारी बन जाएंगे, वानप्रस्थ गांवों में रहने लगेंगे और सन्यासी लोग धन के लालची बन जाएंगे। स्त्रियों का आकार काफी छोटा हो जाएगा और वे अधिक भोजन करेंगी, अधिक संतानें उत्पन्न करेंगी
जिनका पालन पोषण करने में वे अक्षम होंगी और सारी लाज खो बैठेंगी। वे सदैव कड़वा बोलेंगी और चोरी, कपट तथा अप्रतिबंधित साहस के गुण प्रदर्शित करेंगी। व्यापारी लोग शूद्र व्यापार में लगे रहेंगे और धोखाधड़ी से धन कमाएंगे। आपातकाल न होने पर भी लोग किसी भी अधम पेशे को अपनाने की सोचेंगे। नौकर उस मालिक को छोड़ देंगे जो अपनी धन संपदा गवा चुका होता है, भले ही वह मालिक संत सदृश उत्कृष्ट आचरण का क्यों न हो। मालिक भी अक्षम नौकर को त्याग देंगे, भले ही वह नौकर पीढ़ियों से उस परिवार में क्यों न रहा हो। दूध देना बंद कर चुकी गोवों को या तो छोड़ दिया जाएगा या मार दिया जाएगा। कलयुग में मनुष्य कंजूस तथा स्त्रियों द्वारा नियंत्रित होंगे। वे अपने पिता, भाई, अन्य संबंधियों तथा मित्रों को त्याग कर साले तथा सालियों की संगति करेंगे। इस तरह उनकी मैत्री की धारणा नितांत यौन संबंधों पर आधारित होगी। असंस्कृत लोग भगवान के नाम पर ध्यान लेंगे और तपस्या का स्वांग रचाकर तथा साधु का वेश धारण करके अपनी जीविका चलाएंगे। धर्म न जानने वाले उच्च आसन पर बैठेंगे और धार्मिक सिद्धांतों पर प्रवचन करने का ढोंग रचेंगे। कलयुग में लोगों के मन सदैव अशांत रहेंगे। हे राजन, वे अकाल तथा कर भार से दुर्बल हो जाएंगे और सूखे के भय से सदैव विचलित रहेंगे। उन्हें पर्याप्त वस्त्र, भोजन तथा पेय का अभाव रहेगा। वे न तो ठीक से विश्राम कर सकेंगे, न संभोग या स्नान कर सकेंगे। उनके पास अपने शरीरों को सुसज्जित करने के लिए आभूषण नहीं होंगे। वस्तुतः कलयुग के लोग धीरे धीरे पिशाच जैसे दिखने लगेंगे। कलयुग में लोग थोड़े से सिक्कों के लिए भी शत्रुता ठान लेंगे। वे सारे मैत्रीपूर्ण संबंधों को त्याग कर स्वयं मरने तथा अपने ही संबंधियों को मार डालने पर उतारू हो जाएंगे। लोग अपने बूढ़े माता पिता, अपने बच्चों या अपनी सामान्य पत्नियों की रक्षा नहीं कर सकेंगे। वे अत्यंत पतित होकर अपने पेट तथा जननांगों की तुष्टि में लगे रहेंगे। हे राजन, कलयुग में लोगों की बुद्धि नास्तिकता के द्वारा विपत हो जाएगी और वे ब्रह्मांड के परम गुरु स्वरूप भगवान को कभी भी भेंट नहीं चढ़ाएंगे। तीनों लोकों के नियंता महापुरुष तक भगवान के चरण कमलों पर अपना शीश नवाते हैं, किंतु इस युग के शूद्र एवं दुखी लोग ऐसा नहीं करेंगे। मरने वाला व्यक्ति भयभीत होकर अपने बिस्तर पर गिर जाता है, यद्यपि उसकी वाणी अवरुद्ध हुई रहती है और उसे इसका बोध नहीं रहता कि वह क्या कह रहा है। किंतु यदि वह भगवान का पवित्र नाम लेता है तो कर्म फल से मुक्त हो सकता है और चरम गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। किंतु तो भी कलयुग में लोग भगवान की पूजा नहीं करेंगे। कलयुग में वस्तुएं, स्थान तथा व्यक्ति भी सभी प्रदूषित हो जाते हैं।
किंतु भगवान उस व्यक्ति के जीवन से ऐसा सारा कलमश हटा सकते हैं जो अपने मन के भीतर भगवान को स्थिर कर लेता है। यदि कोई व्यक्ति हृदय के भीतर स्थित परमेश्वर के विषय में सुनता है, उनकी महिमा का गान करता है, उनका ध्यान करता है, उनकी पूजा करता है या परमेश्वर का अत्यधिक आदर करता है, तो भगवान उसके मन से हजारों जन्मों से संचित कलमश को दूर कर देते हैं। जिस तरह सोने को गलाने पर अग्नि अन्य धातुओं की रंच मात्र उपस्थिति से उत्पन्न बदरंग को दूर कर देती है, उसी तरह हृदय के भीतर स्थित भगवान विष्णु योगियों के मन को शुद्ध कर देते हैं। देव पूजा, तपस्या, प्राणायाम, दया, तीर्थ स्थान, कठिन व्रत, दान तथा विविध मंत्रों के उच्चारण से मनुष्य के मन को वैसी परम शुद्धि प्राप्त नहीं हो सकती जैसी कि हृदय के भीतर अनंत भगवान के प्रकट होने पर होती है। इसलिए हे राजन, अपनी शक्ति भर अपने हृदय में परम भगवान केशव को स्थिर करने का प्रयास करो। यह एकाग्रता भगवान पर बनाए रखो और अपनी मृत्यु के समय तुम निश्चित रूप से परम गंतव्य को प्राप्त करोगे। हे राजन, भगवान परम नियंता हैं, वे परमात्मा हैं और सारे प्राणियों के परम आश्रय हैं। मरणासन लोगों के द्वारा ध्यान किए जाने पर वे उन्हें अपना नित्य आध्यात्मिक स्वरूप प्रकट करते हैं। हे राजन, यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। सत्य युग में विष्णु का ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से तथा द्वापर युग में भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से जो फल प्राप्त होता है, वही कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध के अंतर्गत भूमि गीत नामक तृतीय अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।